राजस्थान सरकार ने जो जल निगम बोर्ड का गठन करने की घोषणा की है और उस घोषणा के माध्यम से मैं समझता हूं इससे आम जनता और कर्मचारी जो पीएचडी के कर्मचारी है उन लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा होने जा रहा है, क्योंकि इसमें पॉइंट 23 में लिखा हुआ है कि कर्मचारी टर्मिनेट करने के बाद में उसे पुनः नियुक्ति दी जाएगी जल बोर्ड में। तो मैं समझता हूं ये एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत नहीं है, क्योंकि जो भी कर्मचारी उसे टर्मिनेट करने के बाद में कहीं भी सेवा में रखना ये कोई जरूरी नहीं है। और दूसरा, राजस्थान की सरकार ने जब से सरकार का गठन हुआ तब से कर्मचारियों को भयभीत करने के लिए बार बार आदेश जारी किए जा रहे हैं। कभी जल बोर्ड का गठन किया जा रहा है तो कभी चीफ सेक्रेटरी के द्वारा जो वीआरएस के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, कभी ड्रेस के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं समझता हूँ राजस्थान सरकार ने जो ये आदेश जारी कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कर्मचारियों को भयभीत करने के लिए। और मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि ये जो आदेश जारी हो रहे हैं मैं समझता हूं और हमारा जो राजस्थान का कर्मचारी है इन आदेशों को बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि जो आदेश जारी कर रहे हैं उसे कोई इससे सरकार को या किसी को कोई ज्यादा बेनिफिट होने वाला नहीं है। इससे सरकार में नकारात्मक रूप जाएगा और कर्मचारी जब सरकार के खिलाफ नकारात्मक रवैये के साथ आम जनता में जाएंगे तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में सरकार के लिए बहुत बड़े भारी होगा। और जो ये दूसरा जो रेशमा लागू किया है, मैं समझता हूँ ये राजस्थान सरकार के लिए बड़ी शर्मनाक आदेश है, क्योंकि आज हमने ना तो कहीं हड़ताल की बात की है, न ही कोई कार्य बाधित होने की बात की है, न कहीं कोई ऐसी बात की जिससे किसी भी कार्य को बाधित होता हो या सरकार के काम में कहीं कोई विध्वन होता हो। तो ऐसे आदेश करने की आवश्यकता नहीं है, न हम हड़ताल में जा रहे हैं। में सरकार के द्वारा बोर्ड का गठन किया गया, जलदाय विभाग ही विभाग है, बोर्ड को तो समायोजित किया जा सकता है, विभाग नहीं, विभाग को बोर्ड में समायोजित करने का तो तरीका बनाया सरकार ने सरासर गलत है। जलदाय विभाग के कर्मचारी द्वारा पिछले दिनों आंदोलन किया गया, अपनी बात रखने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए एक दिन के लिए धरना प्रदर्शन किया गया, उसी से सरकार को बड़ी भयंकर नाराजगी हुई। उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है, बिना किसी हड़ताल के, बिना किसी तोड़फोड़ के, बिना किसी चीज के इन्होंने रेशमा किस नियम के तहत लागू कर दिया। आज कर्मचारियों को डराया जा रहा है, भयभीत किया जा रहा है। कर्मचारी रेशमा से डरने वाला नहीं है, रेशमा लगता है हड़ताल में, रेशमा लगता है इमरजेंसी लगती है जब। इन्होंने संविधान का अध्याय 3 और 4 का खुला उल्लंघन किया है। उस अध्याय में लिखा हुआ हर आदमी को, भारत के नागरिक को अपनी बात रखने के लिए संवैधानिक तरीके से उसका पूर्ण हक है। हम इसका विरोध करेंगे। सरकार से पूछा जा रहा है रेशमा किन नियमों के तहत लगाया, जलदाय विभाग ने रेशमा लगाते थे ऑल ओवर विभागों में लगाते, आज मेडिकल डॉक्टर हड़ताल पे है, कहने भी रेशमा लगाया क्या, ये सरकार अंधी हो रही है क्या, एक तरफा कार्रवाई किस नियमों के तहत की जा रही है। इन्होंने विभाग को बेचने की ठान रखी, बाकी जलदाय विभाग का कर्मचारी विभाग को बेचने नहीं देगा। आंदोलन के रूपरेखा से पहले इन्होंने रेशमा लगा दिया, बोलने का हक और अधिकार ही छीन लिया, छुट्टियों पे पाबंदी लगा दी इन्होंने। ये किस तरीके का काम चल रहा है राजस्थान सरकार में, हम इसका खुला विरोध कर रहे हैं और हम इससे छुट्टियों से भी नहीं डरेंगे, आंदोलन करेंगे। चाहे हमारे कुछ भी लोग, पहले हमने आंदोलन किए, 35 साल का हमें पूर्ण अनुभव है, कभी रेशमा नहीं लगा हड़ताल के अलावा। ये रेशमा लगा रहे हैं, हड़तालों में भी रेशमा लगता था और कर्मचारी आंदोलन करता था, रेशमा जो भयभीत होने वाला कर्मचारी नहीं है। ये तरीका नहीं है, कहाँ ना भी उठाई गए, ये तो बात पहुंचा रहे कि रेशमा क्यों लगाया, छुट्टियों पे पाबंदी कर दी, छुट्टियां नहीं मिलेगी, अप्रूव करवा के लिए होगी, अरे तो सबको पता है छुट्टियां तो अप्रूवल से मिलती है, सीएल कभी अप्रूवल से नहीं मिलती है, सीएल का तो ये रेशमा वाला इशू, इसको लेकर सरकार के स्तर पर किसी से आपकी बातचीत हुई या अब क्या सरकार से बातचीत करेंगे, मांग कैसे पहुंचाएंगे, नहीं करेंगे तो फिर क्या करोगे क्या भाई? निश्चित तौर पे राजस्थान की सरकार और जो पीएचडी के सेक्रेटरी द्वारा ये रेशमा जारी किया गया है, निश्चित तौर पे
ये एक शर्मनाक बात है और राजस्थान के मुख्यमंत्री तक हमने ये बात पहुंचाई है और शीघ्र यह मुख्यमंत्री से मिलकर और सेक्रेटरी पीएचडी के द्वारा जो जारी रेशमा के आदेश है उसको निरस्त करवाएंगे अगर सरकार ने इस आदेश को निरस्त नहीं किया है, क्योंकि रेशमा कब लगता है एक हठधर्मिता के कारण कौन सा हमने आंदोलन का हड़ताल की घोषणा की या कौन सा हमने जो आम जनजीवन को प्रभावित करने के लिए कार्य किया। रेशमा तब लगता है जब आम जनजीवन प्रभावित हो और जो कार्यवादित हो, सरकार का कार्यवादित हो या आम जनता का कार्यवादित हो, तब रेशमा लागू किया जाता है। परंतु राजस्थान के ये जो पीएचडी सेक्रेटरी द्वारा आदेश जारी किए, ये निश्चित तौर पर राजस्थान की सरकार को बदनाम भी किया जा रहा है और राजस्थान के मुख्यमंत्री से भी हम मांग करते हैं कि शीघ्र ही ऐसे अधिकारियों को पाबंदी लगाए जिससे रेशमा या अन्य कभी हमें ड्रेस पहनने पे या कभी वीआरएस पे जो आदेश जारी किए जा रहे, निश्चित तौर पे ये एक बहुत ही गलत तरीका जिससे सरकार आज कर्मचारी भयभीत करने की कोशिश कर रहे हैं, पर कर्मचारी इससे भयभीत नहीं होगा। हमारा जो रास्ता है आंदोलन करने का रास्ता है, चाहे रेशमा हो चाहे इमरजेंसी हो, हमारा आंदोलन का रास्ता कभी रोक नहीं सकते। राजस्थान का कर्मचारी अपने अधिकारों के लिए हमेशा लड़ता रहा है और लड़ता रहेगा। जलदाय विभाग में जो सेक्रेटरी द्वारा रेशमा लागू किया गया, मैं समझता हूँ रेशमा का अर्थ क्या है और रेशमा कब लागू किया जाता है, जब राजस्थान में कार्य व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही, कर्मचारी हड़ताल में हो। अभी तक ना तो कर्मचारी हड़ताल में है और ना आम जनता कहीं परेशानी में आ रही है, ना हमने कहीं कोई घोषणा की है कि हम लोग आंदोलन कर रहे हैं जिसको कार्य प्रभावित करेंगे या कार्य बहिष्कार करेंगे या छुट्टी पे जाएंगे। इसलिए राजस्थान सरकार के लिए ये बड़ा दुखदायी और कर्मचारी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा रेशमा को, क्योंकि रेशमा तभी लागू किया जाता है। और दूसरा, सरकार ने जो हमने पिछले दिनों वाटरवर्क्स कर्मचारी संघ द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा उसी को देखते हुए रेशमा लागू किया गया। तो मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि जो पीएचडी सेक्रेटरी द्वारा जो आदेश किया उसे निरस्त करें और जो कॉरपोरेशन का गठन किया उसमें जो कर्मचारियों के लिए टर्मिनेट करके और सेवाएं पुनः बहाल करने की जो लिखी हुई है, ये निश्चित तौर पे एक दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें बदला जाएगा।